झगड़ो उसके हाथों को भी झगड़ लो, तेजी से फिराओ उसके हाथों को, तोड़ के लेंगे दोनों को। झगड़ो उसको तेजी के साथ। मार दो बोले, मार दो बोले। हाँ, क्यों के लिए बहुत भार चला। हाँ, क्यों मारो बोले, वजह? वजह? हाँ, वजह उसको मरा। क्या मरत? हाँ बोल। मरत उसका। क्या? उसको मरा। क्या? बहुत उसको दिल जान से रखता है उसका मरत। उसको मैं तकलीफ दे दे के मारने। अच्छा, अच्छा फिर उसको कब मारने का? उसको अमास में, पूनम में। ओह हाँ बोल। दम दम से। कब मारने का? अमास में, पूनम में। दम दम से मार देने का। छोकरे पंखे की स्पीड कम करो इसी दाल। हाँ, और उसके बाद में उसको कहीं, उसको जादू करते वक्त उसका क्या ले गए थे? कपड़ा, मट्टी, चप्पल, क्या लिए थे? उसके पांव के नीचे की मट्टी। कौन से पैर की? सीधे उल्टे? उल्टे। उल्टे पैर के लिए थे। और क्या लिए थे? बाला, कपड़ा, चप्पल, कुछ? उसके चप्पल। अच्छा, चप्पल कौन से कलर की थी वो? काली। अच्छा, कितना टाइम हो रहा चुरा के? दो साल होगा। अच्छा, ये बच्ची पे जादू करके कितना टाइम हो रहा? दो क्या नाम है इसका, बच्ची का? ये 3 साल हो रहा। पेशेंट का नेम बोलो। हसीना पे जादू करके कितना टाइम हो रहा? 3 साल। 3 साल हो गए। 3 साल से तकलीफ दे रही हूँ मैं उसे। अच्छा, हाँ। जादू शमशान से, कब्रस्तान से, किधर से चला है? किधर का है जादू? कब्रस्तान, कब्रस्तान, कब्रस्तान। अच्छा, और इसके घर में किस किस पे करे? माँ पे, बहनों पे, बाप पे, किस पे? वो भी नहीं। खाली इसको? इसके बच्चों को? वो कुछ? कुछ भी नहीं। बच्चे है क्या उसको? कितने है? उसको है 2, 1, 3 बच्चे हैं। अच्छा, उसके मरद के कमाई के आड़े भी आ रहा है जादू टोना? हाँ, आता। कमान नहीं दे रहे उसको? खिड़कियां भी लगा के रखे? हाँ। अच्छा, और इसको क्या करने का है फिर बाद में? इसको मारने के बाद मरद को मारने का है? उन्हें तो पागल होता है। अच्छा, उसको पागल कर देने का? पागल होता है उन्हें। हाँ हाँ, और पागल होता है उन्हें। और क्या क्या करने का है? कुछ भी नहीं। और ये बच्ची को जादू करते सो वक्त दवा कहीं में मिला के खिलाए हसीना को? इसको चाय में। चाय में? इसके घर में पिलाए, उनके घर में बुला के पिलाए? उसके घर में। हसीना किस घर में? हसीना किस घर में? अच्छा। जकड़ के रखो उसको तेजी के साथ, आग लगाओ उसके अंदर जकड़ के। पूछना है कुछ तुम्हारा? पूछो तो। कौन करा सो? क्या क्या करते? नाम पूछ के झगड़े होते फिर? नाम नहीं करते, वो लोग कैसे? तुम कौन होते उनके बच्ची के? मैं भान हूं तो, पहले नहीं आई थी मैं यहां। अच्छा अच्छा अच्छा। और रे, दवा पिलाने वाले की, जादू करने वाली, क्या दुश्मनी है बच्ची के ऊपर? कुछ भी नहीं। फिर क्यों करे? जलन के मारे। कौन है वो? वो दूर के छाई, नजदीक नहीं। नाम? नाम नहीं बोलना तो दो टुकड़े कर देता हूँ फिर मैं। हाँ, कौन है वो? कौन है सो वो? कौन करे वो? हाँ, उसके मरद को पागल बना के फिराने वाले हैं, उसको मार देने वाले, कौन कर रहा है ऐसे हरकत? हाँ, जल्दी। किसके तरफ के? बच्ची के मायके के क्या मरद के मायके? उसके तरफ के? मरद के तरफ के लोग आए हैं। बच्ची के ससुराल के तरफ के? हाँ। औरतां कितने आदमी हैं? कौन है जादू करने वाले?
कौन है? औरता है सो आदमी है, कौन है वो? कितने लोग हैं टोटल? तीन। क्या है औरत आदमी? एक औरत दो आदमी। अरे इसके पैर के नीचे की जो मट्टी लेग गया सीना के, तो कौन लेग गया था वो, औरत ने आदमी ने? औरत ने। किधर की थी वो, इसके मायके की तरफ की, ससुराल की तरफ की, हसीना के ससुराल की? क्या दुश्मनी थी वो बच्ची के साथ? दुश्मनी कुछ नहीं, उसके मर्द के साथ दुश्मनी थी मेरी। अच्छा, बोल के तू जादू वहां कर रही? हाँ। अब तेरे बच्चों को मारा मैं तो कैसा हूंगा? दे दो आदेश तेरे बच्चों को मारने का, भेजू दो तीन शैताना जिन्ना था कुछ तो भेजू, फिर उन हल्लू से घेर के तेरे बच्चों को एक्सीडेंट करके मारते। फिर बोल के सुसाइड करा के मारने लगूं? उसके दिमाग में घुसते हो ना, उसको दिल जाके बॉडी में गिराते गिराने लगूं क्या? कितने बच्चे तुझे? हाँ, लोगों पे जादू कर रही वैसे, तेरे बच्चों को कर रहे? तो चल तोबा कर जल्दी, ना तो मैं तेरे दोनों हाथा काट दूंगा। जल्दी तोबा तोबा कर, छोड़ो उसके हाथा, मुंह पे मार जल्दी दोनों हाथा वो, और तोबा तोबा बोल जल्दी मुंह पे मार के। हाँ मार मुंह पे जल्दी दोनों हाथा जोर से, और अल्टा के बोल तोबा तोबा जोर से, जोर से, जोर से। मत बोल तोबा तोबा बोल, ना लाख नहीं तेरी जबान काट दूंगा, बोल जल्दी तोबा तोबा। इंसानों को परेशान कर रही जादू करके, कमी नहीं, जोर से कर तोबा तोबा, जबान से बोल तोबा। हाँ बोल जल्दी, बोल तो पूरा जला दूंगा, जल्दी जोर से। हाँ बोल, हाँ तोबा तोबा बोल के अल्टा और से करेंगे जादू आप दोबारा। हाँ तोबा कर जल्दी तोबा कर। और कितने बार खिलाए उसको? हाँ दो बार। कहे में? चाय में। हसीना के घर पे क्या, खुद के घर पे बुला के? वो खुद के घर पे। किसके? हसीना के? नहीं, तेरे घर पे बुलाई थी? हाँ। तेरे घर पे बुला के डाली उसको? अच्छा, कौन होती तू उसके रिश्ते में? अपने कौन होती? अपने कौन होता उन्हें तेरा, और कौन होती उन्हें तेरी रिश्ते में जो उस पर इतने जादू कर रही तू तो? जल्दी टाइम नहीं मेरे पास, तो अभी काट दूंगा पूरा। चाची हूँ मैं उसकी। कौन है? चाची। सुने नहीं आ रहा, जोर से बोल। चाची हूँ मैं। जोर से। कौन सी चाची है उसकी तो? चाची हूँ मैं। क्या नाम है जल्दी नाम बयान कर। कौन है नाम? क्या नाम है? कौन से गांव की है तू? क्या नाम है तेरा? तेरी उसकी क्या दुश्मनी वो छोकरे की औरत की? क्यों कर रही थी तू फिर उस पे जादू? जल्दी टाइम नहीं मेरे पास, दो हफ्ता काट दूंगा तेरे दोनों में भाई टांग दूंगा जल्दी। क्या दुश्मनी थी ऐसी? पैसे लिया था तेरे से उधार छोकरे ने वो? हाँ तेरी बेटी शादी करने का वादा करा था उन्होंने, फिर तेरे को मारा था उन्होंने जूते से चप्पल से लोगों में? हाँ। हाँ। कब मारा था? मारा कब मारा था? हाँ छह साल पहले। क्यों मारा था वजे? वजे उसे मालूम है। तो उस वास्ते तू बदला लेने को करी? हाँ। फिर उसको दूसरी औरत पे क्यों नहीं करी तूने पहली औरत पे? क्या उस पे भी करी कुछ? जवान सवाल नहीं, फिर ये औरत पे करी दूसरी पे? क्यों करी वजह दूसरी पे? तुझे कितने बच्चे हैं? तेरा मरा जिंदा है क्या मरा?
बच्चे कितने? खुद के पेट में इतने बच्चे रहे कि लोगों के बच्चों पे कहीं कुछ जादू कर रही, कमीनी नाला। चल तोबा कर, जल्दी तोबा कर, नहीं दोनों हाथ तक काटता हूँ, अभी तोड़ के डालता हूँ, जल्दी तोबा कर, मुंह पे मार के अंडा के बोल तोबा, जोर से बोल, सबको सुना ना, मार चीख तोबा बोल के, तोबा बोल जोर से बोल, मारने लगा तेरे सिर में खिल्ले ठोकने लगा हूं। हाँ कितने चाचे हैं इनको? हाँ अरे अब नाम बोलना पड़ता, अब नौ चाचे हैं तो नाम बोल, जल्दी कमी नहीं कौन है तू, तो सुने आया क्या तुझे, जल्दी नाम बता कौन है तू, तूने तो अभी तक पूरा जला देता हूँ, लगाओ उसके आग में, उसके सिर में सब तरफ आग लगाओ, चल बता नाम जल्दी, क्या पूछा मैं, क्या नाम है तेरा, जोर से बोल, शत्रु अल्डा, जोर से शत्रु, चलो अब इसको जकड़ के ले लो, इसको हाथा छोड़ दे उसके, जकड़ के लो इसको नाला कुत्ते के साथ में, और इसके अंदर से आग लगा के पूरा खत्म कराओ उसको, और उसकी जितनी भी दवा है उसको उल्टे में जुलाब में बाहर निकाल के फेंको, पानी देर इधर, ले जाओ उसको पकड़ के नाला को जकड़ के तेजी के साथ में, वो बाटल लो इधर, गिरमारी बाटल की तरफ, ये पानी सुबह शाम दो तीन टाइम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना पिलाना बढ़ाना पिलाना, और दूसरा वो पानी स्प्रे का मुंह पे मारते रहना और चेहरे पे मारना और घर के अंदर भी कोने के ऊपर में सब तरफ छिनकना, और ज्यादा से ज्यादा दुआ का पानी पिलाते जाना, और दोनों के ऊपर बाद नमाज हर नमाज के बाद में 7 बार रतन कुर्सी 7-7 बार चारों कुल पढ़ के दम करते रहना, और इधर का पानी पिलाना और इधर का स्प्रे करते रहना। वो तो आप दूसरे नाम कुछ किया था, कौन से तीनों बोल रहे तो कुछ वो आगे पूछेंगे ना, वो आगे बस तुम आप मेन बता दिए खत्म, तुम आप समझ जाओ ना उसके साथ के चुंगे ना तीन जो भी है, वो मुंह का कपड़ा डालो, कैमरे चालू है, और दूसरी बात तुम्हारे क्या बोलते, तो कैमरे में हम वहां सीधे तरीके से, हाँ जो भी दास्तान है क्या है क्या है सामने लाइव में ला के पूछा दिए, क्या हरकत हो रही थी, क्या कर रहे थे, क्या मसला था तुम्हारे, कितने दिन से आ रहा था, क्या हो रहा था घर में, क्या तकलीफ हो रही थी, जोर से बोलो, पेट में, कमर में दर्द, पेट में और कमर में दर्द हो रहा था, और हाजिर कितने बार हुआ घर में, जोर से बोलो, खाली बड़बड़ हो रहा था, कुछ समझ में आ रहा था क्या हो रहा था, पहले पेट में और कमर में दर्द हो रहा था, बाद में समझ में नहीं आया क्या हुआ, तो क्या हुई दास्तान, फिर धीरे धीरे अम्मास पूनम के बाद बड़बड़ बड़बड़ करना चालू हो रहा खुद बहुत, क्या हो रहा समझ में नहीं आ रहा, अब यहाँ सामने ला, यहाँ सामने ला के सारी दास्तान पूछा दिए, सब बता दिए, जो भी है लाइव में है, प्रैक्टिकल है तुम्हारे आंखों के सामने, मैं मेरे जबान से कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, देखो खुदा की कुदरत अल्लाह के कलाम की ताकत, और तुम खुदा की कौन कौन सी नियामतों को झुठलाओगे, ये सब खुदा की नियामतें हैं जो कि अल्लाह के कलाम की ताकत से फैज ऐसा मिलता दुनिया को कि आज भी फैज जारी और ख़यामत तक फैज अल्लाह के कलाम का जारी रहेगा, तौरे जुबूल इंजील और भी जितने आसमानी किताबें उतरे थे वो सब एक्सपायर हो गए, उनकी डेट खत्म हो गई, एक्सपायर होने के बाद में उसका उल्टा रिएक्शन होता कोई भी चीज़ का, बाकी कुरान पाक जो है वो अव्वल व आखिर किताब है और वो खयामत तक और लामहदूद चलने वाली है, उसका फैज खयामत तक लोगों को मिलने वाला है, और ये कलाम इलाही की बरकत है, ये अल्लाह के कलाम की ताकत है कि जो सामने बीमारी की शक्ल में भी छुपी आई वबा है बला है जिन्नात शन कोई भी चीज़ है तो यहाँ हाजिर हो जाती सामने, और हाजिर होकर तुम्हारे सामने तुम्हारी जबानी सब बयान करती, मैं तो मेरी जबानी कोई दावा नहीं करता और ना कुछ पूछता, मेरा काम है सिर्फ पढ़ना और पढ़ के जोर से वो भी बंद मुट्ठी में, और ना मैं ऐसा भी नहीं पढ़ता कि बंद मुट्ठी में और बंद जबान में सामने जोर से पढ़ के सुनाता हूँ, खाली बाकी कैमरा इस वास्ते रोकते बार बार कि बहुत सारे रिकॉर्डिंग जैसे पढ़ते टाइम पे रिकॉर्डिंग नहीं होना इस वास्ते रोक देते, कभी कभी कैमरा आगे पीछे होकर सही तरीके से रुकू उनको सही तरीके से पकड़ नहीं सकता ना बयान अंदर सही तरीके से आयातों का रिकॉर्ड नहीं होता, फिर
तो इसलिए कभी कभी रोक देते कैमरे को खाली पढ़ाई के हद तक, बाकी फिर उसके बाद जो भी लाइव चलता पूरा लाइव है तुम्हारे सामने आंखों के, ये अल्लाह के कलाम की ताकत है। जब तो फिर अल्लाह ने कुरान में फरमाया तुम्हारे वास्ते हर चीज के इतने नियामतें बनाए, इतनी चीजें बनाए सब, और तुम पहले से ही अगर कुरान हदीस की रस्सी को मजबूती से थाम के चलेंगे तो तुम एक बात याद रखना, ये सब वबाओं से, बलाओं से, जिन्नातों से, शैतानों से सबसे महफूज रहेंगे, और तुम महफूज रहेंगे तो तुम्हारी फैमिली महफूज रहेंगी, तुम्हारी फैमिली महफूज रहेंगी तो तुम सब खुशहाल रहेंगे। पूरी कितनी बड़ी भी फैमिली रहें दो, तुम्हारी एक अफराद, एक फर्द, एक शख्स तुम्हारे फैमिली में का अगर बीमार हो जाता तो पूरी फैमिली का दिल दिमाग डिस्टर्ब हो जाता, सब डिप्रेशन में चले जाते, कब अच्छा होगा, कब अच्छा होगा, किसी का कमाने में दिल नहीं लगता, किसी का खाने में दिल नहीं लगता, सब यही सोचते कि वो हमारा बच्चा, हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा जो भी एक्स वाई जेड पोतरा नवासा, ये कब अच्छा होता बोल के सब वो दुआओं में इसमें उसमें सब लग जाते उसको राइट करने में। कोई दुआ करता, कोई पूजा करता, कोई कीर्तन करता, कोई कुछ भी करता, मगर सबका तो दिल दिमाग उसको अच्छा करने में लग जाता। कोई किसी को खाने में मजा नहीं आता, किसी को जीने में मजा नहीं आता, सबका उसमें ही दिल दिमाग होता। तो इसलिए बेहतर है कि तुम महफूज रहेंगे तो तुम्हारा पूरा परिवार महफूज रहेगा, खुशहाल रहेंगे। इसलिए इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, तुम चाहे हिंदू हो, क्या तुम चाहे मुसलमान हो, क्या तुम सिख हो, क्या तुम ईसाई हो, कुरान सबके वास्ते उतराला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमतुल्लिल्ला आलमीन बनाकर भेजा, सारे आलम के लिए रहमत। जितने नबी हमारे है मुसलमान के है, उतने से नबी सिख के भी, हिंदू के भी, ईसाई के भी है। तो इसलिए तुम कुरान सुनो, हदीसें पढ़ो, अगर पढ़ना नहीं आ रहा तो मोबाइल में डाल के निकाल कर देखो, उस पर अमल करो, तुम अमला करेंगे, दुआएं याद करेंगे तो तुम महफूज रहेंगे, बाकी किसी का कुछ जाएंगे नहीं। तुम अगर तुम्हारे घर में अगर बलाएं, वबाएं, शैताना घुस गए, तुम्हारे काम नहीं बनने दे रहे, निगेटिव ताकतें तुमको परेशान कर रहे, तो तुम मोबाइल के अंदर किसी के पास जाने की गरज नहीं, तुम मोबाइल के अंदर सब बोलो सूरे बकरा, और वो सूरे बकरा एक से डेढ़ घंटे तक का लाउड स्पीकर के अंदर लगा के घर के अंदर बजाओ तुम, और एक दो अगरबत्ती खुशबू के वास्ते लगा दो ताकि वहां पर से, और वो जैसा बजेगा एक दो घंटा ऐसा कंटिन्यू 40 दिन तक बजाओ उसको मोबाइल के अंदर लगाकर, इतनी फैसिलिटीज है इस दौर में, तो सूर्य बकरा की बरकत से वहां के पूरे जिन्ना शैतान तुम्हारे ऊपर की जितनी निगेटिव ताकत है सब भाग जाते हैं, और तुम्हारे काम बिगड़े बनना चालू हो जाते हैं, तुम्हारे को उसका फैज मिलना चालू होता है। ये कलाम इलाही का फैज की जो जरिया है, तुम भी उसमें सरफ उसमें तुम भी फैजियाब हो जाते, और तुमको क्या बोलते तो सारे वबाओं से, आफतों से, बलाओं से महफूज कर दिया जाता। किसी का कुछ नहीं जाता, जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे फिर भीख, क्योंकि खुली तो बात है कि बहुत सारे राज है जो आज भी बंद मुट्ठी और पर्दादार है, बहुत सारी बातें हैं, क्या बयान करूं मैं तुम्हारा खुल के, मगर एक बात याद रखना, जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भीख। हम ये बात को मानते नहीं, ये रहता क्या नहीं रहता, ऐसा बहुत सारे बोलते, बहुत सारे लोग हैं जो कि पहले हंसियां उड़ाते बोलते कि ऐसा कुछ नहीं रहता, मैंने बहुत सारों को देखा, और बाद में गिड़गिड़ाते हुए भी देखा मैंने बहुत सारों को, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा कि जो कि बोलते कि ये सब ऐसा रहता नहीं, क्या है ये हम मानते नहीं, बाद में जब उनके घर में बलाएं गुस्से, जब उनके बच्चों के, उनके बेटियों के आंगों में आए तो यहाँ आके उनको 8-8 घंटे 9-9 घंटे नंबर लगाना पड़ा पब्लिक के बीच में खड़े रह के, बाद में रो के उन्होंने बोले कि हम बातों को नहीं मानते थे, बाद में जब हम पे बीती तो हमको पता चला। जब तक बेटा तुम्हारे पे बीतती नहीं जब तक पता नहीं चलता, और जब बीत जाती तो तुमको हटाने वाला ओरिजिनल नहीं मिलता, तुम डुप्लीकेटों के पास जा जाके तबाह बर्बाद हो जाते। इसलिए जादूगरों के पास जाना नहीं, और बिल्कुल भी उनके पास में जाना नहीं, उनका ऐतबार करना नहीं। तुमको जाना ही है तो तुम दरगाहों पे जाओ, अल्लाह वालों के पास जाओ, बुजुर्गान दीन के पास जाओ, ये लोगों के पास तुम खाली बैठ के भी आ गए अगर उठ के तो तुम्हारे ऊपर का जादू टोना हटा देते, क्योंकि उनके पास वैसी ताकत है, वैसी ऊर्जा, वैसी कुछ शक्तियां, वैसे सब जो भी दास्तान है वैसी चीजें रहती, वो तुम्हारे ऊपर का सारा छाड़ देती। मिसाल के तौर पर कहीं चिराग जल रहा और वो चिराग के पास तुम जाके बैठे तो उसकी रोशनी तुम्हारे ऊपर भी गिरती ना, अंधेरा है तुम अंधेरे में जाके बैठे तुम्हारे ऊपर भी अंधेरा गिरता, तो वैसा तो अंधेरा छटना है तो जहां रोशनी वहां जाके तुम बैठे तुम्हारे ऊपर रोशनी गिरती। सेम एग्जाम्पल वैसी बात है ना, वो भी तुमके ऊपर रहमत बरसती तुम्हारे ऊपर भी फिर रहमत की छींटे बरसती, फिर तुम वबाओं से बलाओं से महफूज हो जाते, और तुम जादूगरों के दरों पे जाएंगे पैसा भी बर्बाद हो जाता, इकोनॉमिक कंडीशन से भी तुमको कमजोर कर देते माशी हालत से, और तुम्हारा सब लूट लेते और उनको कुछ आता भी नहीं, और उलट टिलट करके तुम्हारा तबाह बर्बाद कर देते। जादूगर लाख तुम्हारा अच्छा करने के अमला करेंगे कुछ भी करेगा नहीं कर सकता, उन्हें वो सब उलट पलट होते, उलट पलट होकर तुम्हारी वाट लग जाती पूरी, क्योंकि वो उसके पास में रहमत नहीं बरसती ना, रहमत अल्लाह वालों के पास बरसती, वहां पर क्या बोलते तो लानत बरसती उसके ऊपर, और वो लानत की छींटे फिर तुम पे भी गिरते, और तुम नहुसत में गिर जाते, फिर तुम्हारे कौन से काम नहीं बनते, फिर तुम कितने बड़े भी है, तुम उद्योगपति भी अफजोपति भी है, तो शैतान जिन्नात बलाओं को इनको कुछ समझता नहीं, इनको खाली उत्तर समझता जो टारगेट दिया है, उन्होंने बरोबर जाते अपना टारगेट पूरा करते,
तुम कितने भी बड़े ऑफिसर होंगे, तुम कितने भी बड़े सिक्योरिटी बाज होंगे, तुम कितने बड़े देश के राजा, दुनिया के राजा भी होंगे, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन कहां से भी कैसा भी घुस के बराबर उनको जो हुक्म दिया लो हुक्म से वो हमला करते, और उनके हमले करने के भी कुछ तरीके, एकदम सडनली अब भी हमला कर दो बोले तो सडनली नहीं करते, उनको टाइमिंग रहती है, उनको टाइमिंग के हिसाब से हमले करने के हुक्म दिया लेते। और बाकी उनको तो फिर कोई सिक्योरिटी रोक नहीं सकती, उनको रोकने वाला अल्लाह का कलाम, मगर पढ़ने वाली तुम्हारे पास जबान भी होना। बहुत सारे बातें हैं, क्या बोलूं, जितना बोलूं उतना कम है, तो इसलिए मैं नहीं बताऊंगा तुम्हारा, तो कौन बताएगा। मेरे ऊपर ये सब बातें बताना तुमको वाजिब है, और मैं तुमको प्रैक्टिकल में बताता, प्रैक्टिकल में। मैं ऐसा कोई कहानी कोई किस्सा नहीं सुनाता तुम्हारे को, वो उसके अंग में ये छे, इधर ये छे, ये बल्ला छे, वो शैतानी छे, वो जिन्नाती छे, कोई चीज का दावा मैं नहीं करता। ये अल्लाह के कलाम की ताकत है कि मेरे सामने आके वो बयान करते सारे बातें उनके जबानी, और मैं सिर्फ पूछता। मेरे सारे वीडियो खंगोल लो, हर वीडियो के अंदर चेक कर लो कि मैं कभी से नहीं बोलता, मैं उनकी जबानी पकड़ के पूछाता। ये अल्लाह ने दी ताकत है, अल्लाह कलाम की ताकत है। और ये सब निगेटिव ताकत है, पॉजिटिव ताकत है, ये सब बहुत अलग अलग दुनिया है, थीरीज है, अलग अलग पार्ट्स बढ़ते हैं इनके भी बहुत सारे। जैसा इल्म स्टडीज करना, इल्म हासिल करना, कितना हर मामले की कोई भी तुम गहरी से गहराई में जाके स्टडी करो, तुम जितनी करेंगे उतनी कम रहती है। हर मामला इल्म का समंदर है, तो वैसा ही ये भी एक इल्म है, और ये भी इल्म इतना बड़ा समंदर है कि जिसकी हद नहीं, और ये आम आदमी को सीखने नहीं देते ये इल्म। ये अगर सीखने गया उन्हें तो उसको जिन्नाता, शैताना, वबाएं, आसपास के बलाएं उसको घेर के मार देते, पागल कर देते, कपड़े निकाल के रोड पे फिराते। वो तो हमारे क्या सीख कर हम पे हमले करने वाला था, क्या सीख कर हमारा गुलाम बनाने वाला था, क्या बोलकर वो करते। तो वो सब अल्लाह से कनेक्टेड रहना पड़ता, अल्लाह ने चुनना, और अल्लाह ने चुनकर मैदान में उतारना, वो बात कुदरत की तरफ का निजाम रहता। और कुदरत जिसके साथ है फिर उसका कोई जिन्ना शैतान बाल बाका नहीं कर सकते, उसके सामने फिर सबको झुक जाना पड़ता, क्योंकि वो कुदरत का निजाम है, कुदरत से बढ़ के तो कोई नहीं है। और कुदरत से जो टक्कर लिया फिर वो कभी नहीं बचता। ये सारे हिस्ट्रीज उठा के पढ़ लो, सारे दास्तान पढ़ लो। बाकी तो अमल अमलियात की बहुत बड़ी ताकतें हैं, और आजकल का जो दौर चल रहा है, ये दौर में तुम्हारे सबसे ज्यादा मदद लेना चाहिए अमल अमलियात की। तुम्हारे बाप दादाओं ने अमल अमलियात की मदद लेके पूरे वर्ल्ड पे, पूरी दुनियाओं पे हुकूमत करे थे, कुरान से अमल अमलियात करके, पाक अमलियात। जरा जाकर म्यूजियमों में तुम्हारे बाप दादाओं की देखो, जरा ढाला, तलवारा, उनकी जो भी शस्त्र वस्त्र, जो भी दास्तान है, हथियारा, सबके ऊपर कुरान के आते हैं, ताबीजात कुंदवाए वाले। और तुम इस दौर के अंदर नए नए फतवे ला रहे, ताबीज लिखना शिर्क है, शिर्क किसको बोलते, वो ये लिखना शिर्क है, वो करना शिर्क है, दरगाह पे जाना शिर्क है। तुम्हारे शिर्क की डिफिनेशन इतने मालूम, शिर्क किसको बोलते, अल्लाह के साथ शरीक करना को शिर्क बोलते। बाकी ये तो अल्लाह के नियामत है ना, अल्लाह ने पहले बोल दिया ना, तुम इसको नाकारने वाले थे, बोल के आओ तुम खुदा की कौन कौन सी नियामतों को झुठलाओगे, नियामतें हैं ये सब अल्लाह की, तुम नहीं जान सकते। बाल से बारीक बातें, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। कुरान और हदीस की रस्सी को मजबूती से थामो, घर के अंदर मामूल बनाओ, सुबह शाम एक टाइम कौन सा भी पकड़ के कुरान पढ़ो, जो भी सूरह आता वो पढ़ो, और बच्चों को भी तालीम दो, और घर के अंदर तालीम का मामूल बनाओ। रात में एक हदीस पढ़ के सुनाकर पूरे फैमिली को सोया करो, और एक बार सूर्य यासीन या सूर्य जिन जो भी तुमको पढ़ने आता हो पढ़ के सबको सुनाओ, और उसके बाद सोने का निजाम बनाओ। मोबाइलों में इतने मसरूफ मत हो जाओ लोगों, कल को खबर में जाने के बाद हर बात का हिसाब होगा, और खबर में हर चीज का जवाब लिया जाएगा। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चलो रोक दो।